हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जेट2वाई ट्यूटोरियल्स में। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 8th लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। उसके पहले हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि रेजिस्टिविटी पे बेस्ड हैं। पिछले क्लास में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किया था, तो आज का पहला न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड पर मैंसन है और न्यूमेरिकल है, इफ़ अ वायर इज डबल्ड ऑन इट सेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन By what factor the resistance of the wire change? तो यहाँ पे एक टर्म देखिए, आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है डबल ऑन इट सेल्फ। हमने पिछले क्लास में किया था कि जब डबल ऑन इट सेल्फ हो, इसका मतलब होता है कि उसका जो लेंथ है वो हाफ हो गया है और उसका एरिया क्या हो गया है, ट्वाइस हो गया है। क्लियर है? तो डबल ऑन इट सेल्फ का तो मतलब क्लियर हो गया कि लेंथ जो है वो क्या हो गया, हाफ, और एरिया क्या हो गया, तो ट्वाइस हो गया। अब उसके बाद क्या है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, मतलब कि अब ये जो प्रोसेस हुआ डबल ऑन इट सेल्फ का, ये प्रोसेस फिर से रिपीट हुआ। तो जब फिर से रिपीट हुआ उस समय क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हमारा एक वायर है जिसका लेंथ पहले एल था, तो इस वायर को डबल ऑन इट सेल्फ कर दिया गया। तो डबल ऑन इट सेल्फ करने का मतलब कि इसका लेंथ क्या हो गया, पहले लेंथ एल था, अब लेंथ हो गया एल बाई टू। अब इस प्रोसेस को फिर से रिपीट किया गया, तो L बाई टू को फिर से अगर डिवाइड करोगे, तोड़ोगे, तो क्या आएगा, आपको मिलेगा L बाई फोर। तो जब ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट हुआ तो हमारे पास लेंथ क्या आ गया, हमारे पास लेंथ आ गया L बाई फोर। और इस टाइम पे एरिया क्या होगा, तो पहली बार जब चेंज हुआ था तो एरिया था 2A, अब इस बार फिर से चेंज होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4A। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डबल ऑन इट सेल्फ का मतलब है कि उसका लेंथ पहले केस में हाफ होगा और एरिया जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट किया गया, इसका कहने का मतलब कि जो लेंथ एल बाई टू था उसको फिर से हाफ कर दिया गया, तो वो हो गया एल बाई फोर, और एरिया फिर से दो गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहले के 2A था, अब कितना हो गया वो 4A। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि बाय व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस फैक्टर से चेंज हुआ। तो सबसे पहले जब कुछ नहीं हुआ था उस टाइम पे रेजिस्टेंस क्या था, उस टाइम पे रेजिस्टेंस था, उसका लेंथ था L और एरिया था A, जब कुछ नहीं हुआ था तब। जब डबल ऑन इट सेल्फ किया गया और उस प्रोसेस को रिपीट किया गया, तो इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है वो R डैश हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मटेरियल तो सेम है तो रेजिस्टिविटी उसका चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ बदलेगा। और लेंथ कितना है हमारे पास, तो लेंथ हो गया है हमारे पास L बाई फोर, ठीक है। और एरिया क्या है, एरिया हो गया है 4 times, तो ये हो जाएगा 4A। तो अभी R डैश फिर से क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा हमारे पास रेजिस्टिविटी L बाई 16A। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R डैश इक्वल टू रेजिस्ट 1/16 रेजिस्टिविटी L बाई A लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टिविटी L बाई A किसके बराबर है, R के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि R डैश बराबर 1/16 R। क्लियर है? तो यहाँ पे जो बाई व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, तो जो फैक्टर होगा वो होगा 1/16 ऑफ R। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन न्यू सिचुएशन। क्या है, हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, उसको ड्रॉन आउट किया गया ऐसे कि उसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया ट्वाइस, किसके, ओरिजिनल लेंथ के। तो जब हमारे पास एक कंडक्टर है उस टाइम उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, L बाई A। ये जब कंडक्टर ओरिजिनल
फॉर्म में है, इसका लेंथ ना ही इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल फॉर्म में है, तब का रेजिस्टेंस है हमारा आर इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। अब क्या हुआ है कि इसका लेंथ इंक्रीज कर गया है ट्वाइस। देखो यहाँ दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, हमें पता है कि जब लेंथ इंक्रीज करेगा ट्वाइस इंक्रीज होगा तो इसका एरिया पे क्या असर पड़ेगा, एक चीज समझना। मैंने पीछे बताया था पिछले पीछे वाले लेक्चर में कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के लेंथ को किसी भी कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका एक चीज़ कांस्टेंट रहता है और वो क्या है, और वो है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा उसका, कांस्टेंट होगा, क्लियर है, वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे या तो हम वॉल्यूम को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या डायरेक्टली सॉल्व करें, दोनों से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को वॉल्यूम को कंसीडर में लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले केस में वॉल्यूम क्या होगा, जब उस कंडक्टर को स्ट्रेच नहीं किया गया उस केस में उसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, उस केस में उसका वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू लेंथ। और जब उस रॉड को स्ट्रेच कर दिया गया उसके लेंथ को ट्वाइस कर दिया गया तो उस टाइम उसका एरिया हम मान लेते हैं ए डैश और लेंथ को हम मान लेते हैं एल डैश, दोनों का वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर है। अब देखो ये जो एल डैश है वो क्या है, ये ट्वाइस है किसका, ओरिजिनल लेंथ का, और मेरे पास ओरिजिनल लेंथ क्या है एल, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ए डैश टू एल। एल डैश क्या है, नए वाले का लेंथ है, तो नया वाला क्या है ट्वाइस हो गया है किसके, ओरिजिनल लेंथ के, तो ट्वाइस हो जाएगा 2l। ये क्लियर हो गया आपको, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं a इंटू एल। अब यहां से देखो l और l कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू ए डैश टू या फिर 2a डैश इसको लिख सकते हैं हम 2a डैश, तो हमारा a डैश क्या आ जाएगा, a डैश आ जाएगा a बाई टू, ये हमारा जो नया वाला एरिया है वो निकल गया। और पहले हमने पढ़ा भी था कि अगर लेंथ जो है वो ट्वाइस हो जाता है तो उसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब हम इसका यूज बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, जब हमने उसको लेंथ को ट्वाइस कर दिया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो एल बाई ए। एल कितना है हमारा, एल देखिए ट्वाइस हो गया है और एरिया क्या है, तो एरिया हो गया है a बाई टू, तो r डैश जो है r डैश क्या हो जाएगा, r डैश हो जाएगा आपका रो 4l बाई a। अभी ध्यान से पढ़िएगा, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू हमें गिवन है और वो क्या है तो 20 ओम है, तो यहां से हम r डैश का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और r डैश क्या हो जाएगा, तो r डैश होगा 4 रो l बाई ए, रो l बाई ए इक्वल टू कितना है 20, ये किसके बराबर है, ये r के बराबर है, तो हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं r डैश इक्वल टू 4r, और r कितना है यहां पे, तो r है हमारे पास 20, तो r डैश इक्वल टू 4 इंटू 20, तो r डैश क्या हो जाएगा 80 ओम, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 80 ओम। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आप ये ना करके डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि जब लेंथ ट्वाइस हुआ तो उसका एरिया हाफ हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर, तो रजिस्टर बेसिकली होता क्या है, रजिस्टर एक कंडक्टर है जो कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, नोट कर लेंगे, इज अ कंडक्टर दैट ऑफर्स सम
रेजिस्टेंस। क्लियर है? पॉइंट नंबर टू, इट इज कनेक्टेड इन सर्किट इन सीरीज और पैरेलल और बोथ। आप सर्किट में रजिस्टर को या तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं या सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, हमें यहां पे दो तरह का रजिस्टर पढ़ना है। इट इज ऑफ फिक्स्ड टाइप एंड वेरिएबल टाइप। और वेरिएबल टाइप को हम क्या बोल देते हैं? रियोस्टेट। पॉइंट नंबर फोर होगा रजिस्टर के बारे में। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट इन अ सर्किट। क्लियर है? रजिस्टर क्या है? एक कंडक्टर है डेट ऑफर सम रेजिस्टेंस। पॉइंट नंबर टू, इट इज कनेक्टेड इन सर्किट इन सीरीज और पैरेलल और बोथ। या तो आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या पैरेलल में या फिर दोनों में। ये दो तरीके का होता है, फिक्स्ड होता है और वेरिएबल होता है। और वेरिएबल को हम लोग बोल देते हैं रियोस्टेट। सर्किट में इसका यूज होता है करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए। पॉइंट नंबर फाइव जो है, अगर हमें सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट वी कनेक्ट रेजिस्टर्स इन सीरीज। अगर हमें सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हमें रेजिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा? सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर हमें रेजिस्टेंस घटाना है तो हमें उसको किस में करना पड़ेगा? कनेक्ट पैरेलल में। यहीं पे लिख देता हूं इसको, एंड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस वी कनेक्ट देम इन पैरेलल। ये कुछ फैक्ट्स थे जो रजिस्टर के बारे में हमें जानना चाहिए थे। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको कि अगर आपको सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो आपको रेजिस्टर को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा? सीरीज में। और अगर रेजिस्टेंस को कम करना हो तो हमें उसको किस में करना पड़ेगा? कनेक्ट पैरेलल में। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में जो पहला है वो पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या रजिस्टर लिख लेते हैं यहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ मैं जो कि ध्यान में रखना है हर टाइम। सीरीज में क्या होता है कि करेंट जो है सेम रहता है, करेंट रिमेन्स सेम। पॉइंट नंबर टू, पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बदलता है। आप ओम्स लॉ का यूज करके थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करेंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे करंट अगर सेम है तो कहने का मतलब ये है कि करंट क्या है थ्रू आउट द सर्किट?
फिक्स हो गया है। जब करंट फिक्स हो गया है इसका मतलब है कि ये एक कांस्टेंट की तरह क्या करेगा, ट्रीट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ पे थ्रू आउट क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, मतलब कि एक तरह से वो कांस्टेंट है। तो हम इस टर्म को क्या ट्रीट करते हैं फिर, कांस्टेंट की तरह। ये सिर्फ सीरीज के केस में होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्लियर है? चलिए अब अगर हमें कनेक्शन देखना हो तो कैसे होगा, पोटेंशियल सीरीज का कनेक्शन कैसे होगा उसको समझ लेते हैं जरा सा। हम यहाँ तीन रेजिस्टर को जो है वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एक बैटरी सोर्स लगा दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को नाम दिया सी और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एट ए पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे कुछ कम, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम डिनोट कर देते हैं पोटेंशियल VB से, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसको हम डिनोट कर देते हैं VC से, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको डिनोट कर देते हैं हम VD से। ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और ये वाला G पॉइंट जो है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। यहाँ पे पोटेंशियल एट A बड़ा होगा पोटेंशियल एट B से, पोटेंशियल एट B बड़ा होगा पोटेंशियल एट C से, और पोटेंशियल एट C बड़ा होगा पोटेंशियल एट D से। इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो इस ए बी के अक्रॉस, क्योंकि रजिस्टर का हमेशा दो एंड होता है, एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। तो अगर हमें इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, मान के चलो यहाँ पे इसका नाम रख दो आर वन आर टू और ये आर थ्री, ये रजिस्टर्स का नाम है आर वन आर टू और आर थ्री। तो मुझे अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा V1 इस पॉइंट के अक्रॉस, मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, VA माइनस VB। क्लियर है? उसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मैं नाम दे देता हूँ V2, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा VB माइनस VC, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और सबसे आखिरी में ये, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पे है। यहाँ से कनेक्शन भी ध्यान से देखिएगा, वो किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये पोटेंशियल एट टू निकल गया, ये मतलब यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस, यहाँ से निकल गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ वी थ्री इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा, वी सी माइनस वी डी। ये चीज़ क्लियर है? अब देखिएगा, इस पूरे सर्किट में यहां से करंट आई चला है, यहां आई, यहां से इंटर करेगा आई, यहां भी क्या होगा आई, यहां भी क्या होगा आई, यहां भी क्या होगा आई, और यहां पे क्या आएगा आई। मतलब सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज में जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो थ्रू आउट द सर्किट क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, आप दो भी लगा लो, आप पांच लगा लो, छह लगा लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कभी नहीं होगा। हाँ, पोटेंशियल हमारे पास अलग अलग होता है,
यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है। तो आप जितना भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप जितना भी V लगाएंगे वो सब क्या किसके बराबर होगा, वो सब यहाँ के V1, V2 और V3 के सम के बराबर होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे वो किसके बराबर होगा, तो वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इसके पास होगा, कुछ इसके पास होगा और कुछ इसके पास होगा। अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करेंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है, याद दिला दूं आपको, V=IR। देखिए अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस V माना हूँ यहाँ पे, अगर V में पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ और इस तीनों रेजिस्टेंस को अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस मान रहा हूँ तो करंट तो सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ IRS। ये S जो है वो सीरीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए V1 कहाँ पे है, तो V1 जो है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, V1 जो है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। तो यहाँ पे क्या होगा, V=IR, I तो सेम है हमारा, रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा R1। तो यहाँ से होगा V1 की जगह पे IR1 प्लस, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि करेंट तो सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा IR2 प्लस। मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही IR3। क्लियर है। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर तो मैं चाहूँ तो यहाँ से I को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं I को कॉमन लूँगा तो इक्वेशन कुछ इस तरीके का बनेगा, IRS = IR1 + R2 + R3। क्लियर है। और यहाँ से I और I कैंसिल हो जाएगा तो RS क्या हो जाएगा, RS जो है वो R1 + R2 + R3 हो जाएगा। और RS को हम एक और नाम से जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R equivalent = R1 + R2 + R3। इसका सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, हमसे क्वेश्चन में बस यही गिवन रहेगा कि हमारे पास कुछ रजिस्टर हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं और हमें उसका R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट कहने का मतलब कि जितना भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, तो इस तीनों रेजिस्टेंस को हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। और वो सिंगल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा जो इन तीनों को कंपनसेट कर देगा, मतलब तीनों का जगह वो ले लेगा। तो इन तीनों के जगह पे जो रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू R इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है। तो अगर आपका रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें सिंपली बस तीनों के रेजिस्टेंस के वैल्यू को ऐड कर देना है और उसका जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा। अब मैंने तो R इक्विवेलेंट निकाल दिया, R1 + R2 + R3। तो अगर मुझे अब इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, इस सर्किट को मुझे छोटा करना है, छोटा करने का कहने का मतलब है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना है, तो उस केस में फिगर क्या होगा, तो फिगर देख लीजिए, यहाँ पे ये एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, और सिंगल रेजिस्टेंस जो है R इक्विवेलेंट उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू होगा R1 + R2 + R3 के बराबर, मतलब इन तीनों का सम कर दो, जो वैल्यू आएगा वही R इक्विवेलेंट के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। और करंट हमेशा I ही फ्लो करेगा क्योंकि सीरीज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है।
तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे क्वेश्चन ने बस यही पूछेगा कि इस सर्किट में करंट निकालो, आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। तो आर इक्विवेलेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस आप वहां पे लगाइए जो इन तीनों को क्या कर सके, कंपनसेट कर सके। क्लियर है? चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके पहले हमने सीरीज पढ़ा, अब देखिए पैरेलल में क्या हो रहा है। ये हायर पोटेंशियल पे है, तो मैं मानता हूं कि इस पॉइंट पे यहां पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, VA, और ये लोअर पोटेंशियल पे है तो यहां पे पोटेंशियल क्या है, VB। ठीक है, जब हायर पोटेंशियल पे, ये तो क्लियर हो गया कि VA जो है वो बड़ा होगा किससे, VB से। ये लाइन आपको क्लियर होगा। अब देखिए, आप जब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी यहीं पे जुड़ा है, इसका एक एंड रेजिस्टेंस का पहला एंड यहाँ पे जुड़ा है और आखिरी एंड यहाँ पे जुड़ा है, तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ, इस रेजिस्टेंस के पास अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इसके पास। अब जरा आर टू को देखो, आर टू के पास क्या है, इसका एक एंड भी इसी पॉइंट से जुड़ा है और दूसरा एंड भी इसी पॉइंट से जुड़ा है, तो आर टू के पास भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी वी। आर थ्री को जरा ध्यान से देखते हैं अगर, तो इसका एक एंड फिर से उसी पॉइंट ए पे जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड पॉइंट बी पे जुड़ा है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, जो कि सीरीज में नहीं था। सीरीज में हमने क्या माना था, V1, V2 और V3। अब देखिए, यहाँ से करंट I चला होगा, ठीक है, यहाँ से I चला होगा, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आया होगा, अब उस करंट को क्या दिख रहा है, करंट को ये दिख रहा है कि मेरे पास तीन रास्ते हैं, या तो मैं सीधे चला जाऊँ, या फिर मैं यहाँ से ऐसे चला जाऊँ, या फिर यहाँ से ऐसे चला जाऊँ। तो यहाँ पे अब करंट को डिवाइड होना पड़ेगा, तो करंट का एक पार्ट मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया I1। करंट का कुछ पार्ट यहाँ पे आया होगा, इसको मैं नाम दे दिया I2। और करंट का कुछ पार्ट यहाँ पे आया होगा, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, I3। अब देखिए, फिर से I1 यहाँ पे आएगा, I2 यहाँ पे चल के आएगा और I3 चल के यहाँ पे आएगा, तीनों फिर आके यहाँ पे कंबाइन होंगे और मुझे आउटपुट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पॉइंट नंबर टू, कि जो करंट है, करंट क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, ये चीज क्लियर है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जितना करंट यहां से निकला, जो करंट आई है, जो करंट आई है वो किसके बराबर है, वो आई वन प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। करंट किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। क्लियर है? ये जितना करंट ये खींचेगा इस सोर्स से, उतना ही ना यहां आके डिवाइड होगा। तो डिवाइड क्या होगा, I ही डिवाइड होगा ना, तो जब डिवाइड होगा I1, I2 और I3 के फॉर्म में, तो ये तीनों किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, फिर से हम यहां पे क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होगा, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू होगा V बाई आर। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस जो है वो किस में है, पैरेलल में है, चलिए R1, R2 और R3 है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या करना है, इस तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस से हमें रिप्लेस करना है, और उस सिंगल रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं किसके बराबर मानूंगा, तो मैं मानूंगा RP के बराबर। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, हमने माना है कि I जो है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर,
अब देखिएगा आई क्या होगा, आई जो है वो है वी बाई आर पी के बराबर। आर पी क्या है, उस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वही है आर पी, और वी है ये आई वन के जगह। अब आई वन कहाँ पे है, आई वन यहाँ पे है, तो आई वन क्या होगा वी बाई आर वन, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में कहीं पे भी अलग नहीं है, तो आई वन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं वी बाई आर वन प्लस आई टू के जगह पे, आई टू तो यहाँ पे इंटर कर रहा है और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान लेता हूँ वी है, तो वी बाई आर टू प्लस आई थ्री के जगह पे फिर से वी बाई आर थ्री। ये क्लियर है ना। चलिए अब अगर मैं देखूं तो यहां से मैं वी कॉमन ले सकता हूं, और जैसे ही हम यहां से वी कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी बाई आर पी इक्वल टू वी वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो यहाँ से आपका V और V क्या हो गया कैंसल, तो आपके पास क्या बच गया, वन बाई आर पी इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ये आपका आ गया पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए वन बाई आर पी इक्वल टू अगर इन तीनों का मैं एलसीएम ले लूँ तो R1, R2, R3 होगा, R1 से R1 कैंसिल तो बच गया R2, R3 प्लस R2 से R2 कैंसिल बच गया R1, R3 प्लस R3 से R3 कैंसिल बच गया R1, R2। तो हमारे पास 1 बाई आर पी आ गया ये, तो आर पी क्या आएगा हमारे पास, आर पी देख लीजिए आर पी हो जाएगा आर वन आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर वन आर टू। ये आपका आ गया आर पी, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर आपका तीन रेजिस्टेंस है और तीनों पैरेलल में है, और इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना हो तो हमें उस रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके बराबर रखना है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, आर पी के बराबर, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा आर पी। और अगर मुझे इस पूरे सर्किट को छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो उसको कैसे मैं करूँगा, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पर लग गया आपके पास, ये V है और ये आपका हो जाएगा आर पी। ये आपका है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस सर्किट। तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके पहले हमने पढ़ा सीरीज। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।